मामा मुझे एक बार अपने गले लगा लो मामा। मेरी माँ तुम्हारी बहुत बातें करती है मामा, मुझे भूख लगी है मामा, मैं भोजन कर लूँ क्या? अरे मर जा तू भी नीच कहेंगे। अरे जिस दिन तुम पैदा हुआ था अगर उस दिन ही मर जाता तो इसे रोटी के लिए दर दर नहीं भटकना पड़ता। रोटी के लिए तरस रहे, अरे मेहनत मजदूरी करके अगर पेट पाला होता तो अच्छा ना होता क्या? यहाँ चले आए मुंह उठाकर, यहाँ पर बैठे हुए सभी सरपंचों ध्यान से सुनो, यहाँ पर आए हुए अतिथियों ध्यान से सुनो, ये निर्धन कुलक्षिणी अपने पति को तो खा गई और यहाँ अब मेरा धन वैभव भी खा ले चली आई है। मेरा इससे कोई रिश्ता है नहीं है, चली जाए यहां से। एक बार सोच लो, एक बार मुझे अपने गले लगा लीजिए ना भैया, मैं तुम्हारे धन वैभव का भला क्या करूंगी? मुझसे मेरा पति छीन लिया विधाता ने, मैं अपने बेटे का पेट भर सकूं? नहीं आऊंगी मैं कभी तुम्हारे द्वार पर, लेकिन ये तो मत कहो कि मैं तुम्हारी बहन नहीं हूं। बहन नहीं, तेरा दर्जा क्या है समाज में? दो वक्त की रोटी नहीं खा सकती और मुझे अपना भाई कहती है? अरे देख, 3 दिनों तक मेरा यह है भंडारा चल रहा है। अरे उस माँ ने अगर तुझे जन्म दिया था तो उसी माँ की कोख से जन्मा मैं हजारों लोगों को भोजन क्यों करा रहा? और तू किस लिए रोटी के एक टुकड़े के लिए मर रही है? इससे अच्छा कि इतने लोगों में तू मेरे मान सम्मान को ठेस लगाए, चली जाए यहाँ से।